पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में आयोजित की जा रही श्री रामचरित मानस अखंड पाठ का समापन शनिवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर किया गया। आचार्य रवि शास्त्री और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से हवन पूजन किया गया। श्री हनुमान जी का स्नान कराकर नया चोला पहनाया गया। विशेष 51 किलो के लड्डू से महाभोग लगाया गया। इसके बाद भोग प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान ट्रस्टी महेश अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, महापौर विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे। श्री रामचरित मानस अखंड पाठ के विश्राम के बाद श्री हनुमान बाबा की आरती की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। जग पवन सुत बरने लाई लंका जारी असुर सतारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मोचित पड़े सकाए अनि सजीवन बैठी पाताल तोरी जमकारे रावण की भुजा उठारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुनर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान कंचन थारे बपूर लो साई आरती करत अंजना मारी जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे हर विद्वांस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई गावत ब्रह्मा एक मुनि नार वाल्मीक सुख सन कादि से अनुसारद बनि पवन सुत गिरगिरी आरति श्री गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार हंस सांपत सब ही की आरती गावत सांपत सब भवानी अनुगत सांपत मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण करण के ठीकी आरती श्री कलिमल हरि विषय रस थी सुभग शिकार मोति जुगती सदा रोग भव पूरी अमी तात पात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित। आज बजरंगबली और बालाजी भगवान हनुमान जी सहस्रो नाम है, आज उनका जन्मोत्सव है। जन्मदिन अलग और दिन आता है, आज जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। ये चिरंजीवी हैं, आज भी साक्षात विद्यमान हैं। पूरे विश्व में इस समय अगर कोई रक्षा कर रहा है तो कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और संकट से हनुमान छुड़ाई, मन क्रम वचन ध्यान जो लाई। तो भैया साक्षात, और ये दक्षिण मुखी 15 फीट के एक सिंगल हनुमान जी बने हुए हैं, और इनकी अलग ही अपरंपार
आपकी माया है। आज शहर में विभिन्न जगहों पे आज भंडारे हो रहे हैं। आज यहाँ नए मुरादाबाद महाकालेश्वर धाम मंदिर में भी आज यहाँ 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया है और शहर में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगहों पे आज कम से कम सैकड़ों जगह पे आज भंडारे हो रहे हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि कलयुग में यदि कोई विद्यमान है, साक्षात है, परम ब्रह्म है, तो वो हनुमान जी हैं और वो यहाँ मौजूद हैं, सर्व जगह विद्यमान हैं। हनुमान बाबा सबकी रक्षा करें और सब पर कृपा बनाए रखें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।